Hello friends, welcome back. In today's video tutorial, I am going to talk on autoimmunity. दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस. तो दोस्तों जनरली सेल्फ एंटीजेंस के लिए आपकी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करती है, लेकिन अगर आपके सेल्फ एंटीजेंस के लिए आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है तो आप उसी को बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी. क्लियर? तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज ए कंडीशन इन विच द बॉडीज ओन एंटीबॉडीज एक्ट अगेंस्ट इट्स सेल्फ एंटीजेंस रिजल्टिंग इन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डैमेज. तो दोस्तों अगर सेल्फ एंटीजन के लिए आपका जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स करता है तो इससे इसी को आप ऑटोइम्यूनिटी बोलते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डैमेज कर सकता है आपकी बॉडी में. ठीक है, तो सबसे पहले इसको पॉल अर्लिक नाम के साइंटिस्ट, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया था और उन्होंने इस टर्म को उन्होंने इस कंडीशन को एक टर्म दिया, दैट इज हॉरर ऑटोटॉक्सिकस. क्लियर? यहाँ पे दोस्तों मेंशन किया है हॉरर ऑटोटॉक्सिकस, पॉल अर्लिक ने ये टर्म दिया. राइट? इफ यू टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ऑटो इम्यूनिटी, देन ऑटो इम्यूनिटी रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ वन और मोर ऑफ द मैकेनिज्म्स ऑफ इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस. इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस की जितनी सारी मैकेनिज्म्स मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी, अगर उनमें से किसी एक या सारी या एक से ज़्यादा मैकेनिज्म्स पर का अगर ब्रेकडाउन हो जाए तो ऑटोइम्यूनिटी हो सकती है. तो सबसे पहला देखिए, द फर्स्ट मैकेनिज्म ब्रेकडाउन ऑफ टी सेल एनर्जी. टी सेल एनर्जी को हमने डिस्कस किया था, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आपको वो वीडियो जो हमने इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस पे अपलोड किया था वो आपको देखना पड़ेगा. तो अगर टी सेल एनर्जी का ब्रेकडाउन हो जाए तो ऑटोइम्यूनिटी हो सकती है. द ब्रेकडाउन ऑफ टी सेल एनर्जी पॉस्टुलेटेड फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड सोराइसिस. तो दोस्तों अगर टी सेल एनर्जी का ब्रेकडाउन हो जाए तो ये आपको ऑटोइम्यून डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड सोराइसिस हो सकती हैं. दूसरा मैकेनिज्म है फेलर ऑफ AICD. AICD ये भी हमने डिस्कस किया था. AICD एक्टिवेशन इंड्यूस्ड सेल डेथ. तो इट इज पॉस्टुलेटेड फॉर सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, इसको शॉर्ट में SLE भी बोलते हैं. तो अगर AICD में फेलियर हो जाए का फेलियर अगर हो तो आपको SLE हो सकती है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है. राइट? थर्ड मैकेनिज्म है दोस्तों रिलीज ऑफ सिक्वेस्टर्ड एंटीजेंस. दोस्तों सिक्वेस्टर्ड एंटीजेंस यूजुअली ये फॉरेन एंटीजेंस की तरह ट्रीट किए जाते हैं, बिकॉज जो सिक्वेस्टर्ड एंटीजेंस होते हैं वो कभी भी आपके इम्यून सिस्टम के कांटेक्ट में नहीं आता है. मींस आपके इम्यून सिस्टम को ये एक्सपोज नहीं होते हैं, क्योंकि ये हिडन फॉर्म में रहते हैं, छुप जाते हैं. सिक्वेस्टर्ड हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. तो इसमें आपके स्पर्मेटोजोआ एंटीजेंस होते हैं जैसे, और ऑक्यूलर एंटीजेंस होते हैं, लेंस प्रोटीन्स जिनको आप कह सकते हैं. क्लियर? तो स्पर्मेटोजोआ एंटीजेंस अगर रिलीज होते हैं आफ्टर पोस्ट वेसेक्टोमी, ठीक है, तो ये ऑटोइम्यून डिजीज कर सकता है, जिसको आप कहते हैं पोस्ट वेसेक्टोमी ऑर्काइटिस. क्लियर? दूसरा, अगर ऑक्यूलर एंटीजेंस हैं, ठीक है, तो ऑक्यूलर एंटीजेंस कैन कॉज पोस्ट ट्रॉमेटिक यूआईटिस. क्लियर? पोस्ट ट्रॉमेटिक यूआईटिस कॉज कर सकता है. तो अगर सिक्वेस्टर्ड एंटीजेंस जिन ऑर्गन्स में सिक्वेस्टर्ड हुए हैं अगर वो डैमेज हो जाएं, कोई ट्रॉमा कंडीशन हो, तो उस केस में
ऑटो इम्यून डिजीज हो सकते हैं। दोस्तों कभी कभी किसी इन्फेक्शियस एजेंट के अगेंस्ट बॉडी में प्रोड्यूस हुई एंटीबॉडीज आपके सेल्फ एंटीजन से क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं और इसी कंडीशन को बोलते हैं मॉलिकुलर मिमिक्री। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि कभी कभी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजेंस के अगेंस्ट बनी हुई एंटीबॉडी आपके कार्डियक एंटीजन से क्रॉस रिएक्ट कर जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्डियक एंटीजन है, ये कार्डियक एंटीजन इस स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन से रिजेंबल करता है, यानी कि इसके जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स हैं वो इस कार्डियक एंटीजन के एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट से मैच करते हैं, मीन्स एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो इसके अगेंस्ट बनी हुई एंटीबॉडी इससे क्रॉस रिएक्ट कर जाती है, कार्डियक एंटीजन से क्रॉस रिएक्ट कर जाती है ड्यू टू एंटीजेनिक क्रॉस रिएक्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं? एंटीजेनिक क्रॉस रिएक्टिविटी। क्लियर? ड्यू टू एंटीजेनिक क्रॉस रिएक्टिविटी, और इसी कंडीशन को आप बोलते हैं मॉलिकुलर मिमिक्री। तो ऐसा होने से भी ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती हैं। क्लियर? दोस्तों अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट ऑटो इम्यून डिजीजेज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहली डिजीज है ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। इसमें देखेंगे कि हम जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसका टाइप क्या है। ऑटो एंटीबॉडीज टू आरबीसी एंटीजेंस ट्रिगर लाइसिस ऑफ द आरबीसीज। नेक्स्ट डिजीज है ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलाइटिक एनीमिया। इसमें क्या होता है? ड्रग सच एज पेनिसिलिन और मिथाइल डोपा इंटरेक्ट विथ आरबीसी सो दैट द सेल्स बिकम एंटीजेनिक। दोस्तों कुछ ड्रग्स जैसे आपकी पेनिसिलिन है और मिथाइल डोपा जो कि हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, दे इंटरेक्ट विथ आरबीसी सो दैट द सेल्स बिकम एंटीजेनिक। ये आपकी आरबीसी से इंटरेक्ट करके उसको क्या बनाती हैं? एंटीजेनिक बनाती हैं सेल्स को। क्लियर? थर्ड है आपका मायस्थेनिया ग्रेविस। इसमें क्या होता है दोस्तों? ब्लॉकिंग टाइप ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन मोटर नर्व्स एंडिंग लीडिंग टू प्रोग्रेसिव वीकनिंग ऑफ स्केलेटल मसल्स। राइट? नेक्स्ट है ग्रेव्स डिजीज। इसमें क्या होता है? एंटी टीएसएस ऑटो एंटीबॉडीज स्टिमुलेट थायराइड फॉलिकल्स लीडिंग टू हाइपरथायराइड स्टेट। क्लियर? नेक्स्ट है दोस्तों सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, जिसको एसएलई भी बोलते हैं। ये वुमेन्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, 20 to 40 ईयर्स की एज के वुमेन्स में। इसमें क्या होता है दोस्तों? इम्यून कॉम्प्लेक्सेज आर फॉर्म्ड विच आर डिपोजिटेड इन वेरियस ऑर्गन्स कॉजिंग फीवर बटरफ्लाई बटरफ्लाई रैसेज ओवर द चीक्स आर्थराइटिस एंड किडनी डिसफंक्शंस ये कॉज करता है, इसमें होता है। क्लियर? नेक्स्ट है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें इम्यून रिस्पॉन्स का टाइप क्या है दोस्तों? ये भी फीमेल्स में ज़्यादा इफेक्ट करता है ऑन द एज ग्रुप ऑफ 40 to 60 ईयर्स। इसमें क्या होता है? ऑटो एंटीबॉडीज बाइंड्स टू सर्कुलेटिंग आईजीजी फॉर्मिंग आईजीएम आईजीजी कॉम्प्लेक्सेस दैट आर डिपोजिटेड इन द जॉइंट्स आर्थराइटिस ऑफ स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड फीट एंड सर्वाइकल स्पाइन। इसमें आर्थराइटिस हो जाता है किन में? स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड्स फीट एंड सर्वाइकल स्पाइन में। एक और ऑटोइम्यून डिजीज है दोस्तों इम्पोर्टेंट, मल्टीपल स्क्लेरोसिस।
सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लामेटरी लेजन्स इन ब्रेन दैट डिस्ट्रॉय द माइलिन सीथ ऑफ द नर्व फाइबर्स लीडिंग टू न्यूमरस न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शंस। इसमें आपके बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शंस हो जाते हैं। तो दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट ऑटो इम्यूनिटी। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो आप प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नई नई वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।